केदार सिंह जिंदाल की पत्नी को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आंखों में आंसू लिए जिंदाल की पत्नी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वायदे उनके साथ किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनके पास नहीं आया। हिमाचल विश्वविद्यालय अम्बेडकर एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार दिनेश भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मेडिकल जांच में सब साफ हो चुका है कि केदार सिंह जिंदाल की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके राजपूत समाज वहां पर एट्रोसिटी एक्ट को हटाने की मांग कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि इस हत्या में और लोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिंदाल परिवार को जो भी राहत देने का वादा सरकार ने किया है उसे सरकार जल्द पूरा करे। उन्होंने कहा कि जिंदाल को पहले से ही जान का खतरा था, जिसकी कॉपी उन्होंने डीजीपी को भी दी थी और उनसे मांग की थी कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही इसमें उन्होंने उन लोगों के नाम भी लिखे थे जिन लोगों से उन्हें अपनी जान का खतरा था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की जाए और इसमें कॉन्स्पिरेसी में और भी लोग जो है शामिल है। इस हत्या का अंजाम सिर्फ एक तीन लोग ही नहीं है। एक कुछ दिन पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये संज्ञान आता है अखबार में कि ये तीसरी और आखिर जो है गिरफ्तारी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये नहीं बोल सकता कि भी अपनी मर्जी से कि ये आखिरी और लास्ट जो है गिरफ्तारी है। मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो है कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लोग शामिल है, तो मैं ये चाहता हूं कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से की जाए और जो है शिलाई में बकरास जो ये ग्राम पंचायत है इसमें और भी बहुत सारे लोगों के जो है मर्डर किए जा चुके हैं, क्योंकि इसमें अखबार में पिछले कल की जो कटिंग जो देखे इसमें साफ दर्शित होता है कि इसमें वहाँ पे बहुत सारे और भी लोगों के जो है हत्याएं हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत जो है नहीं मिल पाया है। वहीं केदार सिंह जिंदाल की पत्नी ने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सरकार ने जो वादे उनके साथ किए थे उनमें से अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है, कोई भी नुमाइंदा उनके पास नहीं आया। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए रोटी। उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच के साथ ही इसके दो चश्मदीद गवाहों को भी पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए, क्योंकि सिरमौर पुलिस की जांच पर उन्हें विश्वास नहीं है। मेरा यही है कि वो एक मानवता की लड़ाई लड़ते थे, ठीक है, और दूसरा ये है कि जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो जो है मतलब एक मुद्दा नहीं है। ठेके पे वहाँ पे रखे थे टीचर, वो मुद्दा उठाया था, और बीपीएल का है। दूसरा ये जो एट्रोसिटी का है, वहाँ जो है केस जो है वहाँ की पुलिस दबा देती थी, और मर्डर केस है, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का पूरा। और उनको जो है जैसे धमकियाँ देते थे और कोई भी आगे आवाज़ उठाने वाला नहीं होता था। मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे थे जो इस चीज़ की आवाज़ उठाते थे। आप सरकार जब आपने प्रदर्शन किया था, सब लोगों ने प्रदर्शन किया था, सरकार के कुछ लोग आए थे, मंत्री आए थे, प्रशासन के लोग आए थे, आपसे वादे किए थे मुआवजे को लेके, नौकरी को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, तो उस पर कुछ अमल हुआ है अभी तक? नहीं जी, अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ है, सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया है। मैं चाहती हूँ कि ये जो डिमांड रखी है मुझे नौकरी दी जाए। मेरे पास ना किराए का मकान है ना, और क्या नाम एक रुपए जो है बैंक बैलेंस नहीं है। जो पैसा होता था वो समाज सेवा में लगा देते थे, जितना भी पैसा होता था, कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास दो छोटी छोटी बेटियां हैं, मैंने कहाँ से गुजारा करना है, कैसे गुजारा करूँ मैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।